पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा के लखनऊ पहुंचने से सियासी बवाल मच गया है। रंधावा के दौरे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिना प्रोटोकॉल के गुपचुप तरीके से यूपी की राजधानी पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री रंधावा ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों और परिवार से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट से गोमती नगर के फाइव स्टार होटल तक रंधावा को पहुंचाने की व्यवस्था माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों ने की थी। चर्चा है कि मुख्तार के करीबी अब्बास सईद अनवर और आसिफ पंजाब के मंत्री के आसपास देखे गए। जहां यूपी सरकार ने पंजाब सरकार पर खुलेआम मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है, तो ऐसे में लखनऊ में पंजाब के मंत्री के आने की वजह से और उनसे मिलने जुलने वालों को लेकर चर्चा होना लाजमी है। बता दें, बीते दो साल से माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में लाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से हर बार जवाब दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, डिप्रेशन और स्लिप डिस्क का शिकार है, तो ऐसी हालत में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार के जवाब के बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। न्यूज़ डेस्क।